हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फसल मेनिया बेतंकुर में। जैसा कि SBI PO प्री और RRB PO के इंटरव्यू चल रहे हैं, 5 नवंबर में IBPS PO मेंस का भी एग्जाम हो जाएगा और इस साल देखा जाए तो सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, नवंबर और दिसंबर। अब इन 2 महीनों में अपकमिंग नोटिफिकेशन की बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एक बड़े नोटिफिकेशन का इंतजार है, वो है SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन, जो कि इस साल थोड़ा सा डिले भी हुआ है। और यही सेम सिचुएशन SBI PO 2020 में भी देखने को मिली थी। उस टाइम पे तो कोरोना भी चल रहा था। जब 2020 में नवंबर तक SBI PO का नोटिफिकेशन नहीं आया तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लग रहा था कि शायद SBI PO का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन ठीक दिवाली वाले दिन शायद 13 नवंबर में SBI PO का नोटिफिकेशन देखने को मिल गया था। अब ऐसा नहीं है कि 2020 में SBI PO दिवाली के दिन आया था तो इस साल SBI क्लर्क भी दिवाली के दिन देखने को मिलेगा। हाँ, उसी टाइम फ्रेम में हमें SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, कुछ दिन पहले भी आ सकता है या कुछ दिन बाद भी देखने को मिल सकता है। दूसरा जो नोटिफिकेशन है जो कि काफी ज्यादा न्यूज में है, वो है LIC असिस्टेंट का नोटिफिकेशन। अगर यही पिछला नोटिफिकेशन देखें तो 2019 में आया था, 4 साल पहले, मतलब कि 4 साल से LIC असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। और 2019 में LIC के तीनों नोटिफिकेशन देखने को मिले थे, LIC EO, LIC ADO और LIC असिस्टेंट। और इस साल देखा जाए तो LIC के 2 नोटिफिकेशन ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं, EO और ADO, तो बिल्कुल चांसेस हैं कि इस साल LIC असिस्टेंट का नोटिफिकेशन भी हमें देखने को मिल जाए। और अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी न्यूज होगी जिनका अभी तक कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। और देखा जाए तो नवंबर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसका एग्जाम दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के स्टार्टिंग में कंडक्ट होगा, मतलब कि आपके पास लगभग 1.5 से 2 महीने का समय है। अब यहाँ से 2 ऑप्शन है, पहला जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार, एग्जाम डेट्स का इंतजार, एडमिट कार्ड का इंतजार, रिजल्ट का इंतजार, या तो ये कर सकते हैं। दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन है कि इन 2 महीनों में आने वाले एग्जाम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्री और मेंस की क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, प्री मॉक टेस्ट कब देना है, हफ्ते में किस दिन मेंस का मॉक टेस्ट देना है, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, या तो इन सब पर आप फोकस कर सकते हो। देखो, हम इंतजार तो कर लेते हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार, एडमिट कार्ड का इंतजार, रिजल्ट का इंतजार, इन सब से मिलता तो कुछ नहीं है, जाता बहुत कुछ है। तो कम से कम सिलेक्शन तक जो इंतजार सब देना, इसको साइड में रखिए और कोशिश करिए कि इन 2 महीनों में आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाए। और एक और रिमाइंडर, जो भी स्टूडेंट्स LIC असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो गाइडली आपके लिए LIC असिस्टेंट का क्रैकर पैकेज लेकर आए हैं। सब कुछ इसमें है, प्री मेंस के मॉक टेस्ट भी है, PDF बंडल कोर्स भी है, टॉपिक वाइज PDF बंडल कोर्स भी है, GA का भी मटेरियल है, वीडियो कोर्स भी है PDF बंडल का। अगर आप SBI क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं और अदर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप गाइडली का जो मॉक टेस्ट प्लान है वो भी ले सकते हैं। डबल वैलिडिटी है, मतलब कि 2 साल की वैलिडिटी है। आप कोड PM10 यूज करेंगे तो दोनों में आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्रैकर पैकेज, मॉक टेस्ट प्लान की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए या फिर कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।